साथियों नमस्कार, आई न्यूज यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। जैसा कि आप इस समय बहुत तेजी से चल रही है फिल्म आदि पुरुष, आदि पुरुष फिल्म की जितनी आलोचना हो रही है तो शायद आज तक किसी फिल्म की आलोचना हो। और हाँ, वो कहाँ गए जो बायकॉट 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 का एक गैंग है बहुत बड़ा कि हम इस फिल्म को बायकॉट करते हैं, इस फिल्म को कोई देखे ना, इस फिल्म को देखने वाला हिंदू नहीं है। भैया, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंची है। जिस रामायण की आप बात करते हैं, आप चले जाइए 25 30 35 साल पहले, रामानंद सागर जी के उस रामायण को देखिए आप। लोग चौराहे पर, लोग घरों में 10 10 50 50 लोग, उस समय जब लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय लोग बैठ के देखते थे आस्था के साथ और उसको अपने अंदर लेते थे कि हाँ यार परशुराम जी हैं, हाँ यार ये श्री राम जी हैं, हाँ ये श्री, सारी चीज़ें थी। और उस समय रामानंद सागर जी के पास करोड़ों रुपए नहीं थे कि 600-500 करोड़ रुपए हो। उस समय लोग, रामानंद सागर जी बताते हैं किसी इंटरव्यू में कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था कि हम अगली शूटिंग कर पाएं। उस समय उस भाषा को प्रयोग करके कितनी अच्छी तरीके से रामायण दिखाई थी, शायद आज तक कोई दोबारा दिखा नहीं पाएगा। और ये चकाचौंध की जिंदगी में आपने देखा होगा कि आदि पुरुष के किरदारों में आपने किस तरीके से भगवान श्री राम का, लक्ष्मण जी का और माता सीता का और भगवान बजरंगबली जी का यानी हनुमान जी का जिस तरीके से किरदार आपने, बहुत ही मतलब क्या बताएं। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम उस फिल्म में, एक चीज़ देखिए आप, डायलॉग इस तरीके के दिए हैं, बिल्कुल टपोरी भाषा कह सकते हैं हम, क्योंकि भाषा हिंदी भाषा है, हिंदुत्व की भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है, उसका इतना बड़ा अपमान। और एक सांस्कृतिक और एक मतलब धार्मिक फिल्म को रिलेट करके आप इस तरीके की भाषा मनोज जी यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही मतलब शर्मसार करने वाली बात है। मनोज जी बोलते हैं उसमें, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो घूमने या हवा खाने चला आया है, ये सब क्या है? इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं भद्दा मजाक हुआ है। और हम उन लोगों से ज़रूर कहना चाहते हैं, उस गोदी मीडिया से भी कहना चाहते हैं कि गोदी मीडिया, इस फिल्म को आप 10 बार अपने स्टूडियो पर चलवाइए और दिखाइए, फिर इस पर डिबेट कराइए। डिबेट कराते हैं ना आप बहुत जल्दी, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, तो इस पर आप डिबेट कराइए, इस फिल्म पे डिबेट कराइए। हम तो कह रहे हैं मोदी जी को भी बिठाइए डिबेट में, अमित शाह जी को भी बिठाइए, और सबसे बड़ी बात योगी आदित्यनाथ जी को भी बिठाइए। योगी आदित्यनाथ जी तो हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे हैं और भाषा का भी अच्छा प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप देखिए, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, ये क्या है? अरे इस फिल्म से अच्छे नाटक रामलीला में लोग करते हैं जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा, कोई 200-500 करोड़ नहीं होते, इससे अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं लोग। ना मानना, कभी हमारे गांव में रामलीला हो तो आके देख लीजिएगा आके मनोज जी। और फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने भी हैं, आप इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ मजाक करें, वो ऐसा मजाक है जो भारत नहीं बर्दाश्त करने वाला है। भाषा शैली, डायलॉग, किरदार, हनुमान जी को देख लीजिए आप। हनुमान जी की तो सादगी वाला, ब्रह्मचर्य का पाठ करने वाले, सेवा करने वाले, अरे भाई साहब रामानंद सागर के जामवंत से आप खुश हो जाएंगे। इसमें तो रावण उससे, सैफ अली खान से नहीं खुश हो रहे हैं लोग। और इसमें आपने एक एंगल ढूंढा, एक सिस्टम बनाया, उसको पैसे ज़्यादा दिए, ये क्या किया, काली लंका बना दी। काली का ही लंका होती है, हैं, सोने की लंका था लंकेश्वर, एक प्रचंड ब्राह्मण था जिसके पास ज्ञान था, नॉलेज था, सब चीज़ें थीं। आइए आपको दिखाते हैं पहले गांव की कुछ रामलीला की कट, तो देखिए क्या किसी के चित्त का संताप टूटा बच्चों जैसा। आपसे आपने कोई जीवित हड्डी मांगे भला कोई दे देगा? नहीं महात्मा, जिसने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित हड्डियों का परित्याग कर दिया था, देखा कि वही स्वार्थी लोग हैं जो तेरे ना रहे पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ चल गया मेरा भाई, और आप भी मौन होकर देखते रहे। करता अगर कर्म करता है, मैंने पहले भी कहा था,
धनुष तोड़ने वाले ने यह नहीं कहा कि मैंने तोड़ा, सामने बताओ, हट जाओ, तेरे प्रभुनाथ ये आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण का वध नहीं, आप मेरी ग्रीवा का छेदन कर दिया, आप अपने इस कुठार से आप लक्ष्मण के बदले मेरा बलिदान कर दे, और आप मेरे भैया को ना मारी, लक्ष्मण को ना मारी, यदि आपके इस कुठार से यह लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो ये सारा संसार मुझे क्या कहेगा? लोग यही कहेंगे, यही है राम जिसने अपने रहते लक्ष्मण जैसी भाई का वध करवा दिया। तो आपने देखा इस मंच पर क्या आपको लग रहा है? भाषा का प्रयोग देखिए, संवाद देखिए, और मैं तो ये हाई स्कूल इंटर में पढ़ता था, जब हमारे गांव में रामलीला होती थी तो हम लोग जाते थे, और जब ये पता चलता था कि परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद होने वाला है, फिर फरसा बढ़िया तरीके से चमकता था और आपस में संवाद होते थे, श्लोक से, चौपाइयों से एक दूसरे के पर प्रहार होता था, वो बात अलग है। अब आपके पास एनिमेशन है, फिल्मों में मार रहे हैं, यहाँ से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिल्कुल बेकार फिल्म का जो सिस्टम बनाया है बिल्कुल अलग है। देखो, हर चीज़ में आप हिंदू मुस्लिम नहीं ढूंढ सकते हैं। हम आपको याद दिलाएं, जब रामानंद सागर जी की रामायण आई थी, आती थी घरों में, तो उस समय कोई मज़हब एक दूसरे के व्रत द्वेष भावना नहीं थी, ना वो रामायण को एज ए रामायण देखते थे। आप किसी मुस्लिम से पूछ लीजिएगा, रामानंद सागर के समय पर रामायण देखने वाले राम को कितना मानते थे लोग, हनुमान जी को कितना मानते थे, क्योंकि उस समय लोगों के पास हिंदू मुस्लिम करने वाली ये गोदी मीडिया नहीं थी। लोग मीडिया को मीडिया समझते थे, लोग मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुँचाते थे। यहाँ सरकार की बात तो मीडिया तक पहुँचती है, पर लोगों की बात कभी मीडिया तक नहीं पहुँचती है। तो रामानंद सागर के उस रामायण को आपने देखा होगा और आज की इस आदिपुरुष फिल्म को देखा होगा, इन दोनों में कंपेरिजन करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको इस आदिपुरुष में एक भी % भाषा का सत सही प्रयोग हुआ है। बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।